लॉकडाउन के 42 दिन के लंबे इंतजार के बाद कल हमारी बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई और सर्वदलीय बैठक बुलाया गया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस बैठक में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, बिहार सरकार के सामने कई सुझाव को रखने का काम किया। उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव जो हैं, जो आप लोगों के बीच मैं साझा करना चाहता हूं, सबसे पहला कि बिहार में टेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, बल्कि रैंडम टेस्ट होने चाहिए और आबादी के अनुपात में टेस्ट की संख्या होनी चाहिए। और स्क्रीनिंग से ज्यादा जो फोकस जो हमारा होना चाहिए वो टेस्टिंग पे होना चाहिए। स्क्रीनिंग इसलिए क्योंकि आप लोग सब लोग को मैं बता दूं कि जो स्वस्थ दिखने में भी है उसको भी पॉजिटिव कोरोना जो केस जो है वो हो रहा है, इसलिए हमने सुझाव दिया कि स्क्रीनिंग का कोई फायदा नहीं है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हम लोगों को करना चाहिए। जो छोटा सा हरियाणा प्रदेश है उसकी संख्या टेस्टिंग में ज्यादा है लेकिन बिहार की कम है, तो इसलिए आबादी के अनुपात में ये संख्या जो है टेस्ट की वो होनी चाहिए। नंबर दूसरा, हमने बिहार सरकार से पूछा कि वेंटिलेटर्स की कितनी संख्या है, पीपीई किट्स की क्या संख्या है और केंद्र सरकार जो है आपको क्या सहयोग किया है, इसमें आप पूरा ब्यौरा आप जो है खुलकर के बताइए, कितने पीपी किट्स मिले हैं, यानी डॉक्टर जो है कहीं वो उनको पीपी किट्स नहीं पहुंचे हैं, और वेंटिलेटर जो है बहुत ही जरूरी है इलाज के लिए, तो ये सारी जो हेल्थ इक्विपमेंट्स की जो चीजें हैं, सामग्रियां हैं, ये अब तक बिहार सरकार के पास वेंटिलेटर कितने हैं। उनको याद दिलाया कि विधानसभा में जब उन्होंने भाषण दिया था तो उन्होंने 100 जो है वेंटिलेटर्स की बात कही थी कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कह दिया है। और हमने ये महत्वपूर्ण भी सुझाव दिया कि दूसरे राज्य जो हैं वेंटिलेटर जो हैं या और चीज़ें जो हैं हेल्थ से रिलेटेड वो डायरेक्ट खरीद रही हैं, तो बिहार सरकार भी खरीदे, जैसे छत्तीसगढ़ हो या केरल सरकार हो, ये डायरेक्ट ले रही। अब इसमें क्या उलझने हैं नहीं हैं, लेकिन बेहतर ये होगा। और साथ ही साथ हमने पूछा है कि केंद्र सरकार ने कितना सहयोग किया, आपको कितने वेंटिलेटर्स केंद्र सरकार ने दिए, पीपी किट्स कितने दिए, टेस्टिंग किट्स कितने उपलब्ध केंद्र सरकार ने कराने का काम किया। और हालांकि जो जवाब मिला उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और कोई ठोस इस पर कोई जवाब ही नहीं मिला कि कितने केंद्र सरकार ने क्या सहयोग किया। और हमने ये निवेदन की माननीय मुख्यमंत्री जी से कि और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर्स को देख रहे हैं, हेमंत सोरेन जी को हमने रेलवे स्टेशन के बाहर देखा, केरल के मुख्यमंत्री हों, बंगाल के मुख्यमंत्री हों या राजस्थान के मुख्यमंत्री, हर कोई जो है मुख्यमंत्रियों का एक्शन देख रहा है और खुल करके सामने आ रहे हैं, चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और कमियों को दूर कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन हम लोगों के सामने रखा गया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने रखा और आपदा के जो प्रबंधक जो अभी जो हेड जो लीड कर रहे हैं प्रतीक जी ने, उन्होंने प्रेजेंटेशन रखी। इसलिए मुख्यमंत्री जी को हमने बोला क्योंकि जो प्रेजेंटेशन में जो आंकड़े जो दिखाए गए हैं उस पर हम लोग जो है ज़्यादा विश्वास हम नहीं करते। हमने सुझाव में भी बोला कि अधिकारी कुछ और कह रहे हैं और ज़मीन की जो रियलिटी है वो कुछ और है, हकीकत कुछ और है, इसलिए आप बाहर निकलिए, आप जो बैठक करते रहे हैं और जो फैसला जो भी लिया कि वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, या अधिकारी जो है आपके आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गलत आंकड़ा दे रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार ऐसा वीडियो देखने का काम किया है जिससे हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा है और काफ़ी पीड़ा भी हुई है, ऐसे दर्दनाक वीडियोज़ भी हम लोगों ने देखा है। और जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हो पाई है। और हमने एक और निवेदन किया कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर उनका इस्तेमाल किया जाए
तो ज्यादा बेहतर होगा, इससे चेक एंड बैलेंस रहेगा। इससे अधिकारी कुछ और कहते हैं, लेकिन ग्राउंड की जो हकीकत है वो जनप्रतिनिधि ज्यादा जानता है। विधायक उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, जवाबदेही है, और नैतिक जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं कि लोगों के इस दुख में उनका सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद पहुंचाई जाए। क्योंकि अधिकारी जो है पूरी बात बताते हैं नहीं बताते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसलिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं खासतौर पर जो विधायक हैं सांसद हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाए, देखभाल में लगाया जाए। और